नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा या PGDCA या DCA या कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया हुआ है, तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब लेकर आया हूँ, जो कि सरकारी महाविद्यालय में प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की जॉब निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसका एक ही पद है सिर्फ। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, जिसका एक ही पद है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको गूगल या क्रोम में GMS शेड्यूल एंटर कर देना है। पहली वेबसाइट पर आने के बाद आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, लास्ट डेट इसकी 3/6/2023 है। लास्ट डेट है 3/6/2023 में आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक PDF डाउनलोड हो रही है, तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी PDF ओपन हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी PDF यहाँ पर ओपन हो चुकी है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश। शहडोल की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगी। पद का विवरण देख लेते हैं पहले। उससे पहले आपको फर्स्ट देख लेना है, यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट कार्य हेतु प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर एक पोस्ट की अस्थायी नियुक्ति, प्रथमतः 6 माह के लिए एक निश्चित मासिक वेतन दे 35,000। केवल 6 महीने की ये वैकेंसी है, जिसमें आपको 35,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जानी है, जिसके हेतु आवेदन पत्र 3/6/2023 तक दिन शनिवार शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाना है। पद का नाम है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, पद की संख्या 1 है, अनारक्षित है, मतलब कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, कोई विशेष कैटेगरी के लिए नहीं है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन साइंस सब्जेक्ट, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है और आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर कर सकते हैं। नॉलेज क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन जनरल पब्लिक हेल्थ एंड डाटा कलेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। आपको पर मंथ दी जाएगी 35,000 रुपये और आपकी मिनिमम एज लिमिट है 35 ईयर। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 3/6/2023 है, दिन शनिवार है, समय आपको शाम 5 बजे तक कर लेना है। स्थान आपको कहाँ जमा करना है, कार्यालय अधिवक्ता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल में करना है। साक्षरता एवं परीक्षा की तिथि प्रत्यक्ष महाविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट www.gmsschool.org पर नोटिस के बोर्ड के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। आप परीक्षा की तिथि और साक्षात्कार की तिथि आपको आप विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रकाशित कर दी जाएगी। सेवा सर्टिफिकेट या सेवा पूर्ण रूप से स्थायी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय अनुमोलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति के आधार पर ली जा रही है। अभ्यर्थी की आयु 1/6 अंक के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। अंतर 6 माह के लिए केवल 20/5/2023 से 3/6/2023 तक ली जाएगी। केवल आपकी जो वो है 6 माह के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ी PDF टोटल 5 पेज की। ये देखिए, यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल, पद का नाम, विज्ञापन क्रमांक सबको आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है और आवेदन आपको भरकर जमा करवा देना है। तो दोस्तों, अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हमारे से जरूर कांटेक्ट करिएगा। PDF आपको हमने बता दी कहाँ से डाउनलोड होगी। अगर आपको डाउनलोड करते नहीं आ रही तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।